कन्नौज पहुंचे एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देंगे तो आरक्षण देना पड़ेगा। वहीं कन्नौज से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बहुत जल्द घोषणा होगी। हालांकि खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। और नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नौकरी देने से उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी का पेपर लीक करा रहे हैं। बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, इसीलिए मैं हर कार्यकर्ता नेता से मिला भी हूँ। हर कार्यकर्ता नेता से मैंने हाथ मिलाया भी कन्नौज की विधानसभा के लोगों से। आपको लेके अखिलेश जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, जब तक हम राजनीति कर रहे हैं तब तक यहाँ है।